एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और नेक्स्ट व्लॉग जहाँ से मैंने एंड किया था वहीं से व्लॉग को मैंने कंटिन्यू कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी सिस्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वगैरह लेके आई थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मीठी होती हैं, और मेरी मामा देख के हमें डांट रही थी, और बीच में जो है वो नाश्ता भी था, तो मैंने उसको साइड पर कर दिया और अपनी चीज़ें मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो जी, आप लोग भी ऐसे करते हो कि जिस तरह से हम लोग पहले चीज़ें खाते थे बच्चों की तरह, और ये बहुत ज़्यादा मीठी होती है। मामा देख देख के बार बार हमें यही डांट रही थी कि इतने मीठा खाओगे दांत ख़राब हो जाएंगे, और इतना स्वीट जो है वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। पर हम लोग ने एक साथ ले लिया, हम थोड़ी थोड़ी कट के जो है वो खाते रहेंगे, और काफ़ी डेज़ हम इसको चला लेते हैं। तो बस यहाँ पे कभी कभार आपको बहुत क्रेविंग होती है ऐसी चीज़ें खाने की। तो यहाँ पे एक जेली लेके आई थी, बर्गर जेली, और हम लोग इसका मजाक कर रहे थे। हमने कहा हमने आपके लिए सिंपल बर्गर मंगाया, पर टेस्ट में बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी। मैंने कहा ये ना वो वाला बर्गर है जो हम लोगों ने ट्रेन में खाया था, जो टेस्टलेस, वो आई थिंक हम लोगों ने पता नहीं किधर से लिया था, मुझे वहाँ का नाम नहीं यार, जो कि बहुत ही गंदा बर्गर था। तो मैंने कहा ये वहीं का बर्गर मुझे ऐसा लग रहा है, मिनी साइज़ में हमें अवेलेबल है। तो जी, यहाँ पे हो गया था नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। सबसे पहले मैंने चाय रख दी थी, और जल्दी से बस रेडी कर लेती हूँ मैं ना, सारी चीज़ें एक साथ डाल देती हूँ और उसको बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। बाकी जो है वो टाइम बच जाए जब चाय रख के मैं ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, बाकी अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, और उतनी देर में हमारी चाय जो है वो बड़ी मज़ेदार से जो है वो रेडी हो जाती है। और हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा नाश्ता करना है। हम लोगों का रहता था बन और बटर लगा के हम उसको खा लेंगे। तो यहाँ से बस मैं चीज़ें अपनी प्रिपेयर करूँगी और जो है वो हम करेंगे नाश्ता। सुबह तो नाश्ते की रूटीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होती है। एक तो बंदा आधा सोया होता है और उसी में फटाफट से नाश्ता बनाता है, और जब चाय पीता है और चाय का एक सिप लेता ही आपको होश आ जाती है कि हाँ जी भाई गुड मॉर्निंग हो चुकी है। तो यहाँ पे बस लगी हुई थी मैं नाश्ता टेबल पे लगाने के लिए, और मैं जो है वो बटर लगाती हूँ, मुझे वो बिल्कुल लगाना पसंद नहीं है, तो मेरी सिस्टर वो लगा के देती रहती है। बस मैंने चाय रेडी की और हमारा सिंपल सा जो नाश्ता है वो रेडी हो चुका है, और आज बहुत सारे काम है तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी। और प्रॉपर आज मैंने सुबह से जो है वो ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो जी, नाश्ता वगैरह करने के बाद उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर, कुछ इंपॉर्टेंट काम था। हम लोग आए थे दरअसल मामा के जो है वो कुछ टेस्ट करवाने थे, तो मामा के हम टेस्ट करवाने आए थे आगा खान हॉस्पिटल, जो लेबॉरेटरी है ना वहाँ पर हम लोग गए थे मामा के टेस्ट करवाने। तो हम लोग जल्दी निकल गए थे ताकि हम लोग जल्दी फारिग होकर घर में आ जाएँ। तो हम लोग फिर मामा के यहाँ पे टेस्ट हो गए, हमें नारियल पानी दिखा, हमने वहाँ पे नारियल पानी पिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, कुछ रिफ्रेशिंग सा पीना था, तो हमने कहा नारियल पानी पी लेते हैं। और हॉस्पिटल में मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश था, बस इस चीज़ का ही इंतज़ार था कि हमारी बारी कब आएगी और जल्दी से हम लोग टेस्ट करवा के जो है वो बाहर चले जाएं। और रिपोर्ट तो है वो जो कल ही मिलनी थी, तो एक दिन आपको पता है कि शाम को ही मिलती है, तो फिर हम लोगों ने कहा बस टेस्ट करवा के जल्दी से घर जाते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, इतना बाहर रहा भी नहीं जाता। फिर उसके बाद घर आ गए थे और हम सबका यहाँ पर दिल कर रहा था बड़ी मज़ेदार सी खिचड़ी बनाने का, तो मैंने कहा मैं प्रिपरेशन कर देती हूँ। और मेरी मामा जो है वो खिचड़ी बहुत अच्छी बनाती है, हम दोनों सिस्टर की बचपन की फेवरेट है, हमें कुछ खाने का पसंद नहीं आता था ना, तो हमारी मामा हमारे लिए खिचड़ी बना देती थी, और आज हमारा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था मामा के हाथ की खिचड़ी खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारी प्रिपरेशन करके दे दी थी मामा को, टमाटर चॉप कर दिए थे, प्याज चॉप कर दिए थे, हरी मिर्च भी हल्का सा जो है मैंने चॉप कर दिया था। यहाँ पे हमने ये ले लिया है एक पॉट और उसमें हम ऑयल डालेंगे, हमने 2-3 चम्मच इसके अंदर ऑयल डाला होगा, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे साबुत जीरा। और ये खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से जो है वो ये रेडी हो जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पे हमने ऑयल के अंदर सबसे पहले ऐड कर दिया है ज़ीरा और साबुत ज़ीरा, उसको हल्का सा हम लोग जो है वो स्टर करेंगे। और अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है चॉप प्याज जो कि मैंने मीडियम साइज़ की ली थी। आपने इसको हल्का सा कर लेना है ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं करना क्योंकि फिर खिचड़ी का जो कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगता।
यहाँ पे हमने ली थी 4 से 5 हरी मिर्चें जो कि मैंने चॉप कर ली थी, और इससे जो है वो स्पाइस बहुत अच्छी हो जाएगी, वरना तो लोग बहुत ज़्यादा फीकी बनाते हैं, पर हम लोग इसको अपने स्टाइल से बनाएंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने, क्योंकि ये बीमार हम लोग हैं नहीं, बस हमें पसंद है तो हम लोगों ने अपने स्टाइल से बनाई है। तो हरी मिर्चें हम लोगों ने इसके अंदर 5 से 6 मैंने ऐड कर दी थी। प्याज को हल्का सा ब्राउन करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था, और अब इस मसाले को हम अच्छे से जो है वो थोड़ा सा कुक कर लेंगे। और खिचड़ी के अंदर हम कोई भी स्पाइसेस नहीं ऐड करते, सिंपल सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट, और जो इसकी स्पाइस है वो हरी मिर्चों से अच्छी हो जाएगी और सही अच्छी सी बन जाएगी, तो इसके अंदर कोई स्पाइस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। खिचड़ी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसका अपना ही फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। आप आपके जितने जो राइस है आप अपने हिसाब से, जो आपने घर के मग रखा हुआ है उसके हिसाब से आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। अगर आपने एक जो है वो गिलास जो है चावलों का लिया है तो आपने 2 कप्स इसके अंदर पानी डाला है, और आपको चावलों का अच्छे से हिसाब होगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बनाया है, तो 2 कप हम इसके अंदर ऐड करेंगे वाटर। तो जी यहाँ पे पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है, अब आपने जो चावल हैं वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं, और लाइट से जब पानी इसके अंदर रह जाए, जब पानी सारा खुश्क हो जाए, हल्का हल्का ऊपर से जब आपको नज़र आए तो आपने इसको दम पे लगा देना है। तो जी यहाँ पे जो पानी है वो ज़्यादा जो है वो ड्राई हो चुका है, बस हल्का हल्का इसके अंदर पानी है। हमने जब आपका पानी इस तरह से ड्राई हो जाए आपने इसको दम पे लगा देना है 10-15 मिनट के लिए। मैंने जो है वो 15 मिनट के लिए लगाया था। आप अपने राइस को देख लेना कि कितने कुक हुए हैं या नहीं हुए, तो उस हिसाब से आपने इसको दम पे लगा देना है। मैं इसको लगाऊंगी 15 मिनट के लिए, और हमारी 15 मिनट बाद बहुत ही मज़ेदार सी खिचड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। अगर आपने कभी इस तरह से ट्राई नहीं की तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी मज़ेदार सी जो खिचड़ी है वो भी रेडी हो चुकी है। इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्याज अगर आप डार्क ब्राउन कर लोगे तो इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा और बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी देखने में। तो आपने प्याज को बहुत ही हल्का सा ब्राउन करना है, और सिंपल सी है और बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। जब आपको कुछ समझ ना आए, बस आपने खिचड़ी बनानी है, साथ में अचार वगैरह रखना है, और इसको मज़ेदार सी करके आपने इसको खा लेना है, और दोपहर का आपका बड़ा ही मज़ेदार सा लंच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ टेबल पे लगा लिया था, साथ में मैंने अचार निकाल लिया था, रायता बनाया था, और साथ में जो है वो मैंने कुकम्बर भी कट कर लिया था। और आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैंने साथ में जो है वो जो कच्ची लस्सी होती है जिसके अंदर नमक डालते हैं, थोड़ा सा पानी डलता है, आपको सबको पता होगा, वो मैंने बनाई थी, और वो मेरे बाबा की इतनी फेवरेट है। जब हम लोग इसको पीते हैं ना, हमें उनकी ज़रूर याद आती है। जब मेरे बाबा थे ना, गर्मियाँ जो अगर ऐसे होती थी तो मेरी मामा बना के रखती थी, जब वो काम से आते थे सबसे पहले उन्होंने जो है वो कच्ची लस्सी पीनी है, उसके बाद अपना जो वो खाना है वो खाते थे, तो उनकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और उसकी वजह से हम सबकी बहुत फेवरेट है। तो आज हम लोगों ने वो बनाई थी। और खाना खाने के बाद यहाँ पे जो है वो मैं अपना लैपटॉप वगैरह यूज़ करूँगी, शाम का टाइम हो रहा है, और इस वक्त जो है वो मेरी सिस्टर जाती है कोचिंग, तो वो कोचिंग जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना लैपटॉप यूज़ करती हूँ, व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ जो मेरे फेवरेट हैं, और यहाँ पे मैं आज का व्लॉग जो है वो एंड कर दूँगी शाम में, और अगला व्लॉग यहीं से कंटिन्यू करूँगी। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग और सिंपल सी रूटीन अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।